ओके भारत माता की जय चलो ए शट अप या कुणाल शट अप या कुणाल Welcome to another episode of Shut Up Ya Kunal. Today to my right, Kanhaiya Kumar, designation student. To his right, Umar Khalid, designation student. Today I'm in Delhi doing a podcast with both Kanhaiya and Umar and they were kind enough to join me for this chat. So now we'll just talk, I guess. Starting with, कैसे हो कन्हैया? नहीं, ये तो आपने सही कहा कि अब हम बात करेंगे. मतलब इस देश में आजकल सिर्फ बातें ही होती हैं. आप लोग इधर बात करने देते नहीं है कोई. तो आई थिंक ये आज आप बात कर सकते हो खुल के. हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हर किसी को अपने मन की बात कहने की आज़ादी नहीं है. प्रधानमंत्री जी को है. और आजकल बातों का कुछ ऐसा सिलसिला है कि अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं तो आप बोलने नहीं देंगे. बट यू आर सेइंग कि जब भी कुछ भी होता है आप कुछ भी लिख दो फेसबुक या ट्विटर पे, चार जन आ जाएंगे गाली देने के लिए कि ये वो ये कैसे लिख दिया, ये क्यों बोल दिया, ये थोड़ी जो कोई बात होती है वगैरह वगैरह. पर मेरे को वो तो मेरे को लगता है कि अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी बोल ही रहे हैं, तब तक ठीक है बात. इट डजंट रियली बॉदर मी. जो चार लोग आते हैं अगर आप उनके तीन प्रोफाइल पर जाएंगे तो उनको आपको देखेंगे नो फ्रेंड्स, नो फोटोज, नो एक्टिविटी. Which means all of these are fake profiles. तो कुछ लोगों को इस बात के लिए भी वहाँ खड़ा किया गया है. हाँ, मतलब आप जब ये सरकार बनने वाली थी, बनी नहीं थी, तो उस समय एक रिपोर्ट आया था, हम लोग पढ़े थे उसको, कि पहले पेज जो थे वो किसी और नाम से थे. मसलन कि आपको लड़की चाहिए, ठीक है, युवा मंच, इस तरीके का नाम था. बाद में लोग उससे जुड़ते रहे, उसके लाइक्स बढ़ते रहे. अचानक से जब चुनाव होने वाले थे तो उसके नाम बदल गए, हिंदू युवा वाहिनी, गौ रक्षक समिति, ये सब उसके नाम हो गए. तो वो जो नोटिफिकेशन था, तो उसे सीआईडी जोक्स बिकेम पीएम मोदी इज ग्रेट. हाँ, वो मतलब उसका नाम बदल गया अचानक से. तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोपगेंडा है ना, ये बहुत कंट्रोल्ड है. और मैं कभी उनको गलत नहीं कहता हूँ. इसलिए गलत नहीं कहता हूँ, इस देश में इतनी बेरोजगारी है. किसी को अगर गाली देने का ही रोजगार मिला है तो चलो रोजगार मिला है वो भी ठीक है. लेकिन दिक्कत क्या है ना कि बहुत कम पैसे में गाली दे रहे हैं. मतलब 3,000 में देते हैं, फेयर वेज नहीं है. हाँ, मतलब गाली दे रहे हो तो 30,000 लोग बोलोगे कि नहीं गाली तो देंगे दिन भर, लेकिन 30,000 रुपए मतलब मिनिमम वेज तो दे. ठीक है, मिनिमम वेज का सवाल वहाँ पे होना चाहिए. 8 घंटा का बकायदा काम हो, उसमें जो है वीकेंड की छुट्टी हो, और अगर 8 घंटे में 4 घंटा और काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम दिया जाए. मतलब कम से कम वहाँ तो लेबर लॉ ठीक से लागू हो. यूनियन होना चाहिए. I actually agree with you all. It's actually only fair. I just want to ask one question. Why should any world leader, no world leader in the world follows trolls? We have a prime minister. I ask this as a citizen. He's my prime minister. Why does Narendra Modi follow trolls? People who make rape threats and death threats. I have got no answers. He has, you know, meet and greets with them in 7RCR. Why? अभी रिसेंटली ये जो सब सवाल उठता है जब भी महिलाओं पे इतना है, अभी फॉर एग्जांपल गुरु मेहर कौर ने जब कुछ ट्वीट किया और कुछ फेसबुक पे डाला तो उनको जिस तरीके से रेप थ्रेट्स आने शुरू हुए, राइट, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के और विश्वविद्यालयों की महिलाओं ने पहलकदमी लेके एक स्लोगन उठाया, बोला कि हम भारत की माता नहीं बनेंगे. उनका इससे मतलब क्या था, और बहुत एक इम्पोर्टेंट बात वो बोल रहे थे कि कई सालों से हम लोगों को सिर्फ माँ बहन और बीवी के रोल में ही देखा है, और माँ बहन और बीवी भी सबमिसिव, जो अपने पति, अपने भाई, अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल वो सेकेंडरी रोल अदा करे. जब उसने इस रोल से मना करके बोला कि इसके अलावा भी मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं देवी की या माता की या बहन की या बीवी की नहीं, मैं एक इंसान हूँ. और मुझे सबसे पहले अगर आपको देश की बात करना है तो देश में सिटीजन से बनता है, और सिटीजन में महिला पुरुष दोनों को इक्वल राइट्स हैं. एज एन इक्वल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, rather than as a goddess or as some epitome of some other thing, some divine thing, you right. treat me as a human being. Stephens में एक house arrest बोल के movement भी हुआ था 16 दिसंबर के बाद, जब लड़कियों ने ये सारी बातें उठाई थी, और वहाँ के उनके जब उस time principals थे वो बोले कि हम लोग कैसे ऐसे लड़कों और लड़कियों के लिए same rules हो सकते हैं. और एक बात ये है, हमारे जो खिड़कियाँ हैं उसके बाहर shutters लगाए गए हैं, 6th floor के तक शटर्स लगाए जा सकते हैं कि लड़कियां बाहर लड़कों से बात करती हैं या लड़के देखते हैं वो दुकान वाला शटर लगाया. जी बिल्कुल, 6th-7th floor. आप युगांडा की बात कर रही हैं, इंडिया में नहीं हो सकता. नहीं, जहां नारी को देवी की तरह पूजा जाता है वहां शटर लगाने की क्या जरूरत है. 5 बजे के बाद हिंदुस्तान में मर्द प्रजाति के जितने भी उम्र के लोग दिखते हैं उनको आप घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए.
सब सुरक्षित हो जाएगा अगर ये समस्या है तो. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster ass nigga plays his cards right. No, but also coming to, जब भी हम लोग बात भी करते हैं reservations का for minorities or for people who are scheduled caste, scheduled tribe, that it's when you talk about reservations in general, reservations should not be as per caste. Is what I believe. Reservation should only be as per economics. But uske alawa, poverty ke alawa, aur koi cheez ko reservation kyun milta hai? Nahi, dekhe, usme ye jo aap sawal pooch rahe hai na, ye ek general perception hai ki reservation jo hai is aadhar pe dena chahiye. Lekin ye aadhar bane to, ye baat aap samajh rahe hai? Ki maan lijiye aap bhi gareeb hai, aur hum bhi gareeb hai. Right. To aap jo hai brahman hai, aur main suppose kijiye ki OBC hoon. तो हमारे भाई बहन आपस में शादी करें तो गरीब होने के बावजूद भी जो है आप ब्राह्मण बने रहेंगे और मैं यादव बना रहूंगा. बात समझ रहे हैं? ये डिफरेंस पहले मिटे तो ये डिफरेंस पहले मिटे फिर हम कोई और रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी. आप देखेंगे कि एक तरफ हम भारत माता की जय कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म बढ़ रहा है, इट्स गुड. बट उसी आदमी का जो मतलब सुबह में पोस्ट किया हो कि भारत माता की जय और ये और वो, शाम को अपने ऑफिस के दोस्तों के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक बहुत भद्दा सा महिलाओं के खिलाफ जो है एक जोक भेजेगा. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्शन समझने में जो है ना ज्यादा दिक्कत नहीं है किसी के लिए. देश के अंदर जब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, कोई अगर अपनी कार पुलिंग कर रहा है और ऑफिस का मैनेजर यदि प्यून को अपने कार पे बिठा करके ला रहा है, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द नेशन. यस, ठीक है ना. लेकिन इतना छोटा जो है सेक्रीफाई भी करने के लिए तैयार नहीं, पर उससे इजी है भारत माता की जय बोलो और आगे बढ़ो ना. लाइक दैट्स व्हाट ना, अभी अल्कोहल पब्लिक बहुत ज्यादा पी रहा है. अभी क्या इजीएस्ट वे आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज व्हाट, बैन अल्कोहल. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग पीपल आर द प्रॉब्लम, अल्कोहल इज नॉट द प्रॉब्लम. एक सभा में ऐसे ही लोगों ने पूछा कि भारत माता की जय आपको बोलने में दिक्कत है? हमने कहा बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है. बोला कि बोलिए भारत माता की जय. हमने कहा भारत माता की जय, ठीक है. फिर हमने उससे एक सवाल पूछा, मुझे बताइए कि मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, मेरी माँ है और मैं जा रहा हूँ कहीं पर, कोई आदमी आकर के हमको कहे कि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो? हम कहेंगे हाँ. कहेगा करके दिखाओ. Who are you to ask me for my certificate? थर्मामीटर लेकर के हमसे पूछोगे तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो नहीं करते? ये ब्रांडिंग नहीं है कि जो है मेरी माँ 90 साल की है तो उसको उठा करके जो है हम ATM के लाइन में लगा दें. हम अपनी माँ को ब्रांडिंग नहीं करते हैं. माँ मेरी माँ है, कितना भी निकम्मा हो जाएंगे ना, ठीक है ना, लेकिन अपनी माँ को लाइन में नहीं लगने देंगे. उसकी जरूरत के लिए हम खुद जाकर के लाइन में लगेंगे. अभी देखिएगा ना, करेगा अभी एड चलाएगा ना, हर एड में एक सोल्जर की तरह नेटवर्क ढूंढ रहा है. एक कजारिया टाइल्स का एड है, उसका पूरा अक्षय कुमार है एड में. तो वो पूरा एड वैसा ही है कि हम देश की मिट्टी, फिर एक रेसलर लड़ रहा है, सोल्जर, जो भी चीज़ें ग्लोरीफाई करते हैं हम नॉर्मली पिक्चरों में, सब इंडिया के बारे में ये सब, और इसी देश की मिट्टी से बने कजारिया टाइल्स और वो सब. ये तो मतलब ऐसा तो कुछ भी फिर पेट्रियोटिज्म इज सेलिंग, देन ब्रांड्स आर जस्ट कैपिटलाइजिंग ऑन ना. Soldiers are dying and fighting for the country, but by ICICI Lombard. अरे, what is the connection but between the two? सन 1906 पूरे भारत ने एकजुट होकर स्वदेशी से स्वाधीनता का अभियान शुरू किया था. स्वदेशी अपनाओ और विदेशी जलाओ का नारा पूरे देश में गूंज रहा था. आज फिर उसी रास्ते पर चलकर देश को आर्थिक आजादी दिलाने की आवश्यकता आ पड़ी है. विदेशी कंपनियां हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक, क्योंकि देश का धन देश के बाहर लेकर गया. इन सब का विकल्प है पतंजलि का यह सात्विक स्वदेशी अभियान. कैन यू इमेजिन अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो बोल रहा है कि सवा अपना को बोल रहा है कि मैं डेमोक्रेसी में हूँ, मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ, सब कुछ हूँ, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ. वो बोल रहा है कि सवाल पूछने की परंपरा ये बुरी परंपरा है, ये परंपरा को खत्म कर देना चाहिए. तो मतलब जो है शून्यकाल नहीं होगा, क्वेश्चन आवर नहीं होगा पार्लियामेंट में, सवाल नहीं पूछे जाएंगे. एक मंत्री साहब का मैं आपको बताता हूँ, उनका इतिहास देखेंगे तो बड़ा तेजी से उन्होंने कैंप बदला है. कभी वो आडवाणी कैंप में थे, आजकल मोदी कैंप के इम्पोर्टेंट मेंबर हैं. तो उन्होंने कहा कि जो है हम नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो कैंपस में, क्योंकि इससे कन्हैया निकलते हैं, ठीक है ना. तो कहा कि आप भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, ठीक है ना. बोला हमारा बात कुछ और था, वो तो चूहा है. हमने कहा हाँ, अगर आप टॉम हैं तो हमको जेरी होने में कोई दिक्कत नहीं है. और जो है एक मंत्री साहब ने, तरुण विजय ने कहा कि
हम जो है काले लोगों से नफरत नहीं करते हैं, मतलब मतलब इतना जो है रेशियल कमेंट किया जा रहा है खुलेआम, और उसको नहीं, उसने नहीं कहा काले लोगों से नफरत नहीं करते, उसने बोला अगर काले लोगों से नफरत होती तो वुड वी बी स्टेइंग विद साउथ इंडियंस फॉर सो लॉन्ग, वी आर इफ वी वर रेसिस्ट व्हाई वुड हैव ऑल द एंटायर साउथ व्हिच इज कंप्लीट यू नो तमिल यू नो केरला यू नो कर्नाटका एंड आंध्रा व्हाई डू वी लिव विद देम. We have blacks, black people around us. ये जो nationalist लोग अपने आप को claim कर रहे हैं, ठीक है ना? इनके सामने target क्या है? ये किससे लड़ रहे हैं? ये तुमसे लड़ रहे हैं. हम उससे तो basically तो तुमसे ही लड़ रहे हैं. मैं तो ये समझता हूँ मुझसे क्या ही लड़ना है मतलब. हाँ, exactly. मतलब हम कुछ individual हैं. तुमको पूछा था ना तुम लोग दोनों से किसको पूछा था? हमने who is funding you all? मजा आया सुन के. एक बार उसी के बाद किसी ने एक और ये बोला कि इनके फंड इनको कोई कर रहे हैं, इनके फंड जब्त कर लो. हम लोग वापस आके खुशी खुशी हंस रहे थे. हमारा इतना उधारी है अलग अलग दुकानों में कि अगर हमारे फंड जब्त कर लिए तो शायद हमारा उधारी जो डेट है वो निकल जाएगा इतने देर में. मैं गया जे एन यू का कितने स्टूडेंट, 8000 स्टूडेंट है, अराउंड 8000 स्टूडेंट है. उसमें से मेरे हिसाब से 4000 सिगरेट पीते होंगे, पर उसमें से मेरे हिसाब से सिर्फ 1000 सिगरेट खरीदते होंगे. मैंने कभी किसी को सिगरेट खरीदते हुए नहीं देखा वो कैंपस में. मैं 2 दिन घूमा तो वो आप जब गए होंगे ना तो हो सकता है कि आपसे भी कुछ लोग मांग बैठे कि बाहर का आदमी दिखाया चलो इससे मांग लेते हैं. एक तो बात ये है कि जैसे हर एक कैंपस के स्टूडेंट होते हैं हम लोग भी वैसे ही स्टूडेंट हैं. मतलब हम लोगों के पास 6-8-10 हाथ नहीं है, of course, ठीक है ना. और हम जो है चंद्रकांता सीरियल के अयार नहीं है बद्रीनाथ की तरफ के, यूं हाथ रख करके गायब हो जाएंगे. इसी देश में रहते हैं, ठीक है ना. और स्टेट को जब भी इम्प्लीकेट करना होगा कभी भी इम्प्लीकेट कर देगा जैसे किया, ठीक है ना. उसके पास अगर एविडेंसेज होते तो हम आज भी जेल में होते, ठीक है ना. प्रॉब्लम क्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नेशनलिज्म है, जिस नेशनलिज्म को आज प्रमोट किया जा रहा है, हाँ. और उस समय फ्रीडम मूवमेंट का जो नेशनल, उसमें फर्क क्या है? है उस समय क्या था ना कि हम खुद को बढ़ाना चाहते थे, राइट. नेशनल बिल्डिंग एक लक्ष्य था, हाँ. अभी जानते हैं क्या है, अभी हेट्रेट एक लक्ष्य है, हाँ. जबरदस्ती आप एक दुश्मन खड़ा करते हैं, हाँ. अननेसेसरी, जो कि दुश्मन है ही नहीं, हाँ. उसकी वो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, हाँ. ठीक है ना. लाइक जेएनयू यूनिवर्सिटी, जेएनयू या कोई भी इंसिडेंट आप देख लिया, हाँ. और ये हर एक गवर्नमेंट करती है, राइट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी कर, नहीं, कांग्रेस भी करेगी. कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह के आरोपों को लेकर बीजेपी ने भी अब केंद्र सरकार पर हमला बोला है. बोलने की आजादी और लोगों के हक को कुचलने को लेकर मैं आपातकाल को सबसे बुरा मानता रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार आपातकाल के दौर की सरकार से भी बुरी है. भारत देश में बोलने की आजादी नहीं है, ये कौन कहता है मैं नहीं जानता हूँ. मैं तो कम से कम अंग्रेज के समय में भी हमने कभी बोलने की आजादी को रुकने नहीं दिया. लेकिन ये जो होता है इसकी रियलिटी क्या है? इसकी रियलिटी ये है कि अगर स्टेट चाह ले तो उस इशू को एक मिनट में रिजॉल्व कर दे, हाँ. लेकिन उसको इशू रिजॉल्व करना नहीं है, हाँ. क्योंकि जो बेसिक, अगर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो बाकी जो बेसिक इशूज हैं उस पर डिस्कशन शुरू हो जाएगा, right. इसीलिए इशूज को ये बचा करके रखते हैं, हाँ. भाई हम बोले ना कि हम बद्रीनाथ तो नहीं है कि गायब हो जाएंगे, हाँ. माल्या भी नहीं है कि आधे घंटे में जमानत मिल जाएगा, हाँ, लंदन भाग जाएंगे, हाँ. अरे मियाँ कहाँ भागेंगे भैया, हाँ, साहब जाएंगे कहाँ, इधर ही हो, यहाँ से बिहार, बिहार से दिल्ली, बिहार से भाग के तो दिल्ली आए, यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे. कन्हैया को अरेस्ट किया, उसके बाद मुझको अरेस्ट किया, अनिर्बान को अरेस्ट किया, झूठ का पहाड़ था, हाँ. हर कोई हम लोगों को मारने के लिए तुला हुआ था, राइट. ये बोला जा रहा था कि 15 कोई मारे कन्हैया को, कोई मारे उमर को 15 लाख देंगे, 20 लाख देंगे. और एक मेरा डिबेट पॉइंट है, वो अमाउंट काफी कम है. बिकॉज़ अगर तुम्हारा किडनी अलग अलग निकाल के अगर बेचा जाए, लिवर बिकता है इंडिया के ब्लैक मार्केट में, वही वही हम बोले 7-8 लाख तो खाली लिवर का मिलेगा. तुम दारू भी नहीं पीते, तुम भी नहीं पीते, लिवर का मिल जाएगा. थ्रेट के जो है ना, हाँ. लेटर्स आते हैं, हाँ. तो मैंने उसको जो है बहुत अच्छे से संभाल करके रखा है. रखो रखो. और अगर मैं आपको फेसबुक का अपना अदर इनबॉक्स दिखाऊं, मैसेंजर का, तो एक दिन नहीं गुजरा है पिछले 365 दिन से ज्यादा बीत गए हैं जिसमें मुझे डेथ से थ्रेट ना आई हो. रोज आप चिंतित रहे होंगे, रात को नींद भी नहीं आती होगी, बेटे के बारे में सोचते होंगे. चिंतित तो इसलिए हूं मैं कि इस वक्त टीवी चैनल जिस तरह उसका उसकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उसका कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, जिस तरह उसको देशद्रोही बता रहे हैं. जो आदमी दलितों के लिए खड़ा होता हो, जो आदमी आदिवासियों के लिए खड़ा होता हो, जिस आदमी को फॉरेन के स्कॉलरशिप के ऑफर आए,
और उसने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि मुझे अपने देश के लिए काम करना है। जिस आदमी ने पासपोर्ट नहीं बनाया बाहर जाने के लिए, उस आदमी पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान जा चुका है। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि उसने अपने पीएचडी के टॉपिक को भी जो है वो आदिवासियों के इश्यूज पर, उसके मसाइल पर चुना है और उनकी उनकी आवाज को, उनके मसाइल को, उनकी उनके प्रॉब्लम्स को, उनके समस्याओं को पूरे देश के सामने वो रखना चाहता है। उसको कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही है, उसको कहा जा रहा है कि वो देश का बाकी है, उसको कहा जा रहा है कि सब वो आतंकवादियों से संबंध है। फेसबुक पे स्टिकर होता है ना, आओ वाओ, ठीक है ना, तो इनका स्टिकर देशद्रोही वाला है, कहीं भी चिपका देंगे। अब आप ये शो कर रहे हैं, हो सकता है कि आप भी उस कैटेगरी में आ जाएं। हाँ, मतलब नीचे अभी तक तो मेरे को किसी ने एक दो बार बोला हुआ है, पर वो उनको मैं सीरियसली नहीं लेता। बट मेरा खाली कंटेंशन ये था कि बात तो कर ही सकते हो यार, लाइक बात करने में क्या तकलीफ है, बात करने में ही तो तकलीफ है। बात तो कर ही सकते हो ना, मतलब जितने मुझे मैसेज आए कि आप, तू मुझे हरियाणा में मिल, तू मुझे इंदौर में मिल, तू मुझे मध्य प्रदेश में मिल, मैं एक दो को रिप्लाई किया यार तू मुझे जेएनयू में मिल, मारूंगा नहीं, बैठ के बात ही करेंगे। ये मतलब बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं और आप अग्री करें, लेकिन लेट्स अग्री टू डिसएग्री, दैट इज व्हाट इज एसेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। बट दैट इज व्हाट इज अंडर अटैक। दे वांट टू कॉल अस इन टीवी स्टूडियोज, आई मीन इट्स वेरी गुड दैट इन दिस स्टूडियो वी आर अलाउड टू टॉक, बट अदरवाइज इन टीवी स्टूडियोज वी आर नॉट अलाउड टू टॉक। मुझे आजादी चाहिए, गरीबी से, महंगाई से, बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी से। नारे लगाते ना आप जेएनयू में, अपने साथियों को बोलते हैं कि ऐसी नारे लगाएं आप, ये ना लगाएं कि आपको आजादी चाहिए, कश्मीर को आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाना है। कश्मीर गुलाम है क्या आपको लगता है? कश्मीर गुलाम है, कश्मीर गुलाम है क्या? बोलिए, जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि मैं गुलाम। बहुत अच्छी बात है, उसके बारे में नारे लगाओ। एक चार वर्ड बोला नहीं, सीधा कोई चढ़ गया। I need to say something to Omar right now. Now, Omar, remember this. You, I'm talking about you. I'm talking about you. You are more dangerous to this country than Maoist terrorists. You people carry the Indian passport? You are on an Indian campus? You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education? Your education is paid for by the Indian taxpayer? I think these students cannot be allowed to disgrace our campuses anymore, and we are ashamed of these anti-national elements. We are, and you will not speak over me. Please don't interrupt, and I'm cutting you off now for a minute. Can I please do that? I've run out of patience with you, with the shallowness and half-literate nature of your arguments. But don't you dare speak over me. ऐसा जैसा अर्नब जैसा डिबेट कंडक्ट भी करता था, लाइक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और यासीन मलिक, व्हेन आर यू गोइंग टू टेल द वर्ल्ड दैट यू आर अ टेररिस्ट? नहीं यार, ऐसे कौन किसको इंट्रोड्यूस करता है यार? नहीं तो सबसे बड़ी बात ये है, टेररिस्ट है तो क्यों बुलाया तू? एग्जैक्टली, मैं भी ये कहने वाला था, टेररिस्ट है ना तू, मत बुला उसको। पर बुला के सीधा सीधा भड़काओ, मतलब कि तू टेररिस्ट है, अभी सबको बोल। चलिए, जब तो यही बोल रहे थे, आप मीडिया के बोल रहे हैं कि योगी के सर पे कितने बाल हैं, योगी दिन में कितने खर्राटे लेते हैं, कितने बार नहाते हैं। अरे, हमारे वाले मामले में गलत ही सही, झूठ मूठ का ही हम लोगों को दोषी बना करके, कम से कम मुद्दा देश था, अभी तो योगी जी का सर है। चलिए आगे बढ़ते हुए, अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते? योगी के सिर पर हमेशा इतने छोटे छोटे बाल क्यों दिखते हैं? योगी हमेशा क्लीन शेव कैसे रहते हैं? तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। तो आज हम आपके मन के इसी सवाल का जवाब खोज लाए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं भागवत शर्मा, और यही वो शख्स हैं जो अब तक योगी के सिर के बाल बड़े नहीं होने देते। बात समझ रहे हैं ना? तो मैं तो समझता हूँ कि स्थिति और खराब हुई है। विमान में योगी कुर्ता, जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्शन वाला रूप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों में उनके गेरुए कुर्ते का भी क्रेज बढ़ गया है। वाराणसी से लेकर मथुरा के मार्केट में आधे बाजू वाले योगी कुर्ते की मांग बढ़ गई है। और जानते हैं, एक आदमी आया और एक दिन जो है हमको चढ़ा रहा था। किसको? बोला हम लोगों को, बोला कि अभी अब आप ही लोग देश में अपोजिशन है। हम बोले अगर हम लोग जब तक देश में अपोजिशन है, इसका मतलब हमेशा यही लोग पोजिशन में। मतलब हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट कनाडा होना चाहिए, जर्मनी होना चाहिए, इंग्लैंड होना चाहिए, अमेरिका होना चाहिए। भाई, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपना रेफरेंस पॉइंट क्यों बनाए? तो इजी है ना, मतलब ऑलवेज कंटेस्ट अ बैटल दैट यू कैन विन। मतलब That's what, whenever you ask something, ये अरे पर उधर तो देखो क्या चल रहा है यार, उधर तो पूरे ही लगे पड़े, तुम देखो कितने खुश हो, उधर जाओ कभी तो पता चलेगा।
हम लोग क्यों जाऊं पर मैं उधर यार उधर क्यों जाऊं मैं उधर क्यों जाऊं अभी तो लगा था हम तो खुश होकर के ट्वीट करने वाले थे कि विजय माल्या पकड़े गए हैं अब बस 15 लाख आने ही वाला है अकाउंट में कि ये जब तक ट्वीट करते तब तक पता चला कि जमानत मिल गई अगर मोदी जी कभी 15 लाख डाल दे सबके अकाउंट में तो आधे जन खुशी से मर जाएंगे लाइक वो एक्सपेक्टेड किसी को भी नहीं है लेकिन तुम सोचो ना विजय माल्या ने हमारे देश के लिए जितने देशभक्त लोग उनको खुश होना चाहिए जितने लोग वो स्नैपचैट वाले सीईओ पे गुस्सा हो रहे थे विजय माल्या हैज प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री हाउ ही कैन सॉर्ट ऑफ मैनेज थिंग्स आपको बता दें विजय माल्या भगोड़ा पाकिस्तान और भारत के बीच खेला जा रहा मैच वहां पर वो मैच देखता हुआ नजर आया है जहां पर ऐसा लग रहा है जैसे इसे किसी बात की कोई परवाह नहीं 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर भगोड़ा वहां पर नजर आता है इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री ऑफ पुअर पीपल एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस मतलब अगर 40 घर और 40 घराने आपके जीडीपी का 70% ओन करें देन मतलब द रिचनेस इज गोइंग टू सम हाउसेस बट एंड द लार्ज सेक्शन आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट और चुनाव की अगर बात करें चलिए 2014 का चुनाव छोड़ देते हैं कि बोलेंगे कि आप लोग बोलेंगे कि बीजेपी से ही शुरू हुआ 2009 में हिंदुस्तान में चुनाव हुआ था लोकसभा का 2008 में यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2009 के लोकसभा इलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर था वो 2008 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ज्यादा था और अभी मैं कुछ दिनों पहले सोच रहा था कि आप इन सारी जगहों पर जाइए जो दिल्ली के अच्छी लोकेलिटीज हैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी साउथ एक्स जो लोग बोलते हैं कि जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे कोई एक्सप्लॉयटेशन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आप इन सारे लोकेलिटीज में जाके जो नेम प्लेट है बाहर आप सिर्फ वो पढ़ कर आइए कौन कौन लोग रहते हैं वहाँ और वो मतलब किस वर्ग से आते हैं किस समुदाय से आते हैं तो आपको दिखेगा कि एक कुछ ही लोग हैं हु हैव एक्चुअली ऑक्यूपाइड द बेस्ट पब्लिक स्पेसेस इन द सिटी इस देश में बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है वो जो हमारा थर्ड क्लास है जो स्टेशन है उसको ठीक करने की बात नहीं हो रही मतलब जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है ना उसमें एक बड़ा मास जो है सोसाइटी का उसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि मान लीजिए बहुत अच्छे पॉश लोकेलिटी में हम एक बढ़िया सा घर बना लिए हैं शीशे का बढ़िया एकदम वो जो जमीन से लेकर के रूफ तक का विंडो होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता हाँ वो एक विंडो होता है ना मैंने भी नहीं सोचा गुड़गांव के घरों में है नहीं मेरे कुछ दोस्त रहते हैं तो वो विंडो जो होता है वैसा वाला घर बना लिए बगल में स्लम है एम्प्लॉयमेंट नहीं है पॉवर्टी है क्राइम है इस बात की संभावना है ना कि किसी दिन उस स्लम से 10 लड़के निकलेंगे और जब मैं अपनी कार से जा रहा हूँ हाथ रोक करके कहेंगे कि चल भाई चाबी दे दे ये हो सकता है ना हो सकता है एज ए सोसाइटी वी हैव टू थिंक और वहां मैं ये भी आपको बता देता हूँ मैं बार बार बोल रहा हूँ गरीब का सिनोनिम इस शहर में देश की राजधानी में बिहारी है स्कूल में चले जाइए MCD जो स्कूल चलाते हैं वहां जाइए देखिए गाली क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाइए वहां क्या गाली है बस में और मेट्रो में क्या गाली है फिर आपको पता एक पूरे रीजन को हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक लैंड है आपका वो यार इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंड ऑफ दिस कंट्री ठीक है ना उस पूरे के पूरे लैंड को आपने स्टिग्मेटाइज कर दिया है ये रियलिटी है जोक तो मैंने भी मारे हैं बिहारी पे मैं डिनाई नहीं करूंगा मेरा बिहारी लोग पे एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो कन्हैया को मैं बताता हूँ बिल्कुल चार बिहारी लोग बात करते ना तो उन लोग बहुत फ्री होके बात करते हैं सा किधर किसका हाथ इधर है कोई कुछ किधर खुजा रहा है कोई कुछ ये कर रहा है जैसा ही कोई बाहर से ज्वाइन करता है ना वो कॉन्वर्सेशन तो सब सीधा हो जाते हैं एकदम रिजर्व क्या चल रहा था भाई साहब बातचीत लाइक द होल टोन ऑफ द कॉन्वर्सेशन विल जस्ट चेंज Because now they are like, अरे हमको जज करते वैसे ही लोग अब हम वादा खुल के नहीं बोलते हैं थोड़ा ऐसा हो जाता है दिखा के थूक नहीं फेंकेंगे दिखा के देख करके फेंक देंगे Now coming back to this topic, Arnab anyone? वो मेरे को बेस्ट लगता है कि जब अनुपम खेर कुछ भी अच्छा बोलता है तो बीजेपी के सब लीडर्स बोलते हैं अरे क्या बोला अनुपम जी ने जब भी कोई बेवकूफी की बात कर देंगे वो तो पार्टी से थोड़ी जो है बॉस हमारा क्या लेना देना है अभी वो एक्टर है अपने मन की बोल रहा है इसमें मजेदार बात ये है कि ये लोग आर्मी कर रहे थे और इनके घर से कोई आर्मी में नहीं होगा मेरे घर से गिनती से 16 आदमी है आर्मी में काम करता हम लोगों को नौकरी कहाँ मिलती है तो दौड़ करके जो आर्मी की नौकरी लेते हैं लॉजिकली मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ हम लोग या गुरमेहर कौर ने जो पोजीशन लिया इट्स एन एंटी वॉर पोजीशन एंड एनी एंटी वॉर पोजीशन मींस वी आर स्टैंडिंग विद द राइट्स ऑफ सोल्जर्स हम नहीं चाहते कि हमारे जवान बॉर्डर पे मरे हम चाहते हैं हमारे देश में सब लोग जिएं और उसके लिए जंग ना हो मोमेंट यू से देयर शुड बी नो वॉर
they don't interpret it as a message of peace. Hmm. Oh, peacefully they interpret it as Pakistan. Don't blame Pakistan. Not Pakistan alone. Please not Pakistan. Not Pakistan. Your hashtag pro-Pak is extremely misleading. Well, it is. I must point out that I am neither pro-Pak, I am not pro-Azadi. But I am pro-constitution of India. I want a dialogue with Kashmiri citizens so that they do not take up terrorism. They are the pseudo-nationalists trying to turn India into Pakistan. They are pro-Pakistan theory, not me. Okay, Neera. Funnily enough, now coming to some lighter notes. I talked to Umar first and told him, यार पर देख अभी एक कंट्री ऐसा है कि अभी जैसा वो कंट्रोवर्सी हुआ तो कभी कभी लोग ऑटो में नहीं बिठाते बोलते तू एंटी नेशनल है तो मैं उसको बोला देख यार वो वाला तो ऐसा है कि मेरे को भी कभी कभी ऑटो में नहीं बिठाते मैं तो मतलब बोलते हैं कि जाना ही नहीं है नहीं मीटर के बारे में अगर कोई भी पूछ लेगा ना तो उसको ऑटो में नहीं बिठाएंगे वो एंटी ऑटो है तू एंटी ऑटो जो प्रो मीटर है ठीक है ना वो एंटी ऑटो तो बेस्ता मैं पूछता है कि अगर आपका जेएनयू के मसले भी तो है ना कैंटीन का खाना खराब होगा बेड पे खटमल होंगे अरे मैं चुनाव ही इसी सवाल पे जीता कि खटमल खत्म कर देंगे फिर वो टाइम्स नाउ नहीं चलाया यू डोंट डिसाइड माय क्वेश्चंस यू डोंट डिसाइड माय क्वेश्चंस नोबडी डिसाइड्स माय क्वेश्चंस नहीं उसमें तो गजब ही हुआ उसमें जो है एक स्वामी जी हैं उन्होंने कहा कि जो है गोली उली चला देना चाहिए बम मार देना चाहिए इसको आपको मतलब जेएनयू के ऊपर हां तो हमने कहा कि हमने बोले कि भाई तो एबीवीपी भी रहता है ना असली टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करोगे हम लोगों को खटमल ही नहीं जीने देंगे सी एनी प्रोटेस्ट इन इंडिया फंडामेंटली इज जस्ट ग्रेट कंटेंट नाउ इट्स जस्ट कम डाउन टू दैट वो तो इसका टाइमलाइन भी है इसका टाइमलाइन इज आल्सो ग्रेट कंटेंट सो दैट्स व्हाट इट्स जस्ट रिड्यूस्ड टू ए टीवी पे चलेगा 5 दिन लोग एंगेज होंगे छठे दिन कुछ और होगा वी विल जस्ट मूव एग्जैक्टली हाय हाय कितनी अकल वाह कितना अकलमंद आदमी वाह 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 तालियां ये कादरी जीत गया खालिद जीत गया ये के सोनू निगम जीत गया अरे बहुत बड़ी बात है ये कादरी जीत गया खालिद जीत गया ये के सोनू निगम जीत गया अरे बहुत बड़ी बात है तो हमको ये लगा कि अब जेएनयू में एडमिशन हो गया है अब तो जिंदगी सेट है भाई सब कुछ सेट है मतलब अभी पढ़ो एग्जाम दो मतलब शादी भी यही हो जाएगी अपना कोई ना कोई मिल जाएगा और नौकरी हो जाएगी 1,40,000 रुपया कमाएंगे दिल्ली में एक फ्लैट ले लेंगे और शाम को जो है आराम से बैठेंगे किसी क्लब में और कहेंगे कि देश में गरीबी बहुत है जो है ग्लास लेकर के बोला जाएगा तो मतलब पूरा सेट हो जाएगा लाइफ सेट हो गया लेकिन लेकिन देखिए कुछ है ही नहीं अब आप ये देखिए ना कि चलिए मतलब ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा तो स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लेंगे या नहीं कुछ होगा तो किताब लिख लेंगे कुछ पेपर पब्लिश करा लेंगे उससे भी नहीं होगा तो किताब मत लिखो यार तुम किताब लिखोगे फिर अवार्ड मिलेगा फिर वापस दे दोगे कुछ फायदा नहीं किताब लिख के एक मजेदार बात बता देते हैं ये जो उमर और खालिद है ना तो हम लोग मतलब सबको पता है कि पॉलिटिकली वी डिफर टू ईच अदर ठीक है ना हमारा लाइन अलग अलग है ठीक पर पूरा मीडिया परसेप्शन था कि तुम लोग साथ में बैठे हो नहीं, एक मतलब तो फिर हुआ कि जेल में हम लोग जब पहुंचे तो हमने कहा कि तुम्हारा नाम उमर खालिद है तो ये हंस करके बोला हाँ बोले हमको भी नहीं पता था कि खालिद तुम्हारा टाइटल है मतलब हम लोग इतना भी जरूरी नहीं समझते हैं कि उमर है होगा खालिद हो कि मौलाना है कि क्या है क्या मतलब है मेरे को खाली ये डिस्कस करना है कि अगर हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्री एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बीइंग क्रिटिकल अबाउट द कंट्री और बीइंग अपोजिंग टू एवर इज इन पावर तो पिटने के लिए तो रेडी रहना पड़ेगा मतलब मैं 3 बार पिटने के लिए रेडी हूँ आपका क्या लिमिट है और आपका तो मेरे हिसाब से जो भी हम दोनों का लिमिट होगा उसको डबल कर दो ठीक है मेरा कोई लिमिट नहीं है आप पिटते रहेंगे मेरा लिमिट इसलिए नहीं है ना कि 3 बार तो 9 फरवरी के बाद पिटे हैं उससे पहले भी पिटते रहे मतलब मतलब मैंने बोला है कई जगह ये सवाल कि इफ यू आर पुअर इन दिस कंट्री तो ये सबसे बड़ा अपराध है अरे वो कहानी आपने सुनाया था बहुत अच्छा वो सिनेमा हॉल वाला आपके पास जो 2 टिकट था आपने कहा कि मैं ड्राइवर को लेके जाऊंगा मेरे पास 2 टिकट था सिनेमा हॉल का पीवीआर गोल्ड क्लास का तो वो 1 टिकट वापस नहीं ले रहा था
तो मेरा दोस्त जो आने वाला था उसने मेरे को बोला अभी मैं नहीं पहुंच सकता ये वो, तो मैं उसको बोला यार ले ले यार वापस टिकट यार किसी और को भेज देना। तो बोल रहा था नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता ये पॉलिसी ये वो, मैं बोला अरे लोग आ रहे खरीदने शायद बिक जाए ये वो, तो बहुत उसने बोला नहीं लूँगा नहीं लूँगा। फिर मैं उसको बोला ठीक है तो ये टैक्सी वाला जो सामने है ना मैं उसको मेरे साथ लेके जा रहा हूँ पिक्चर दिखाने, और वो इंग्लिश फिल्म थी ऑनट्राज लाइक जिसमें मतलब काफ़ी सजेस्टिव सेक्स सीन्स बिकिनी सीन्स ये वो। तो उसने बोला उसका फट गया उसने एक सेकंड जैसे ही मैं बोला मैं ये टैक्सी वाले को लेके जाता हूँ उसने बोला दे दो वापस टिकट बिकॉज ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे कल्चर में। तो वो है यस पीपल आर स्केयर्ड ऑफ पॉवर्टी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा कहा कि गरीबी गरीबों को भगाओ। ये जो सवाल है आपका क्या लिमिट है पिटने वाला भाई, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनका क्या लिमिट है कितनी बार पीटना चाहेंगे। हम लोग पिटने के लिए तैयार हैं, अगर उनको लगता है कि पीट के हमको चुप कर देंगे तो वो नहीं होने वाला है। कई बार कोशिश करी उन्होंने पीटने की, कई बार पीटा भी है आके, कई बार उन्होंने पीटा है, कई बार पुलिस ने पीटा है, कई बार गुंडों ने आके पीटा है, लेकिन हम लोग चुप नहीं हो पाए हैं। जब भी आप जाते हो कहाँ बात करने, ऑफ कोर्स कोई तो आता ही होगा कि मतलब अपोज करने या I don't know, अगर वो प्लैकार्ड लेके आते हैं या जूता लेके आते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत आसान एंट्री हो गई है, इसको आप समझिए बहुत मजेदार चीज है। हमारे यहाँ पहले क्या होता था ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो लोग चुनाव जीतते थे तो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में उनके लिए वो लॉन्चिंग पैड होता था, वहाँ से वो सीधे विधायक के कैंडिडेट हो जाते थे। तो दिस इज द लॉन्चिंग पैड नाउ कि आप किसी को पीट दीजिए तो आप जो है बिल्कुल नेताजी के नजर में आ जाएंगे कि लड़का जो है बड़ा बढ़िया है, मतलब रोड पे मारपीट करता है। तो ये दिस इज द क्वालिटी नाउ। और मैं पिटने पे एक बात, इसलिए मैं गरीबी का दिल्ली का स्पोक्सपर्सन तेजेंद्र बग्गा। आपको भले ये अपराध लगे लेकिन इस हमले को अंजाम देने वाले शख्स को देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने इनाम के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। खुद जो है मतलब एमएलए पीट रहा है रोड पे लोगों को, अमित जमाई नाम के एक आदमी है उनको रोड पे खुद एमएलए पीट रहा है, बस समझ रहे हैं। देश की राजधानी में न्याय की इमारत के सामने कानून के रखवालों की मौजूदगी में जेएनयू के एक छात्र पर इस तरह सरेआम टूट पड़े बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा और उनके समर्थक। क्या ये विधायक के बोल हो सकते हैं कि मेरे पास बंदूक होती तो मैं गोली मार देता? हाँ, तो आप देशद्रोह की बात अगर करोगे तो मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। अफसोस है आपके पास बंदूक नहीं थी। हाँ बिल्कुल है, जनता की अदालत फिक्शन से रियलिटी में आ रहा है। जब मैं बाबा रामदेव के साथ डिबेट कर रहा था तो बाबा जी जो बेसिकली एक बिजनेसमैन है तो उनको लाला जी कहना ज्यादा ठीक रहेगा, तो वो जो है उनके बारे में उन्होंने सवाल किया, वो बोले कि मैं जो है इंटरनेशनल भिखारी हूँ। हमने कहा आप इंटरनेशनल व्यापारी हैं। और आपने जो है क्या बढ़िया से स्वदेशी की ब्रांडिंग की है? हम स्वदेशी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। 5-star करके चॉकलेट निकालते थे तो हमने निकाली सुपर स्टार, और खाने में इतनी टेस्टी है तो ऐसे खोलो और ऐसे ऐसे खा जाओ, बहुत जोरदार मामला है। अब तो एक बार इसको खा लिया है फिर वो दूसरे को क्यों मुंह लगाएगा है? तो बहुत जोरदार काम है। कि आपने कहा कि आपके पास दिमाग है, आप सोचिए। बिल्कुल हमारे पास है, हम सोचेंगे। फिर आपके कहने पे पतंजलि का मंजन क्यों इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग से सोचिए करेंगे। कल को जो है अगर आपका फेस वॉश नहीं लगाएंगे तो देशद्रोही हो सकते हैं, मतलब आपने ऐसा माहौल बना दिया है। बट अभी उमर से बात करनी है, जो लास्ट सब लड़कियां रुकी है पता करने के लिए कि उमर खालिद सिंगल है कि नहीं। तो उमर क्या तुम सिंगल हो कि नहीं? कहाँ सिंगल है, उमर और खालिद दो है। तो सिंगल है? नहीं, आजादी के मेरी दुल्हन है, तो अभी शादी भी फिक्स हो गई है, उस शादी हो जाएगी आजादी के साथ। एक बार पुलिस ने बुलाया कि जॉइंट इंटरोगेशन करेंगे दोनों का, दोनों का, और अनिर्बान भी था। तो वो सवाल पूछने लगे कन्हैया से, हमारे लोग बैठे हुए कि कन्हैया तुम्हारा क्या रोल था 9 फरवरी को, कि ये प्रोग्राम हुआ तुमने परमिशन दी, स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आए होंगे परमिशन लेने के लिए, तुम तो प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट परमिशन देता है। तो मैं बोला उसको कि हवलदार साहब वो जेएनयू का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। क्या पावर है? मैं आपको अभी बता रहा था कि जब जेल के अंदर था तो एक अखबार आया हिंदी का, कोई जिसे बोलते ना वो क्लिक बेट जर्नलिज्म टाइप, लेकिन वो प्रिंट में था। वो अखबार में पढ़ रहा हूँ जेल के अंदर
प्रेमिका के दबाव में किया खालिद ने सरेंडर. अब मैं सर पर कितना खराब लगता है ये देश के लिए. देश के दबाव में नहीं किया, प्रेमिका के दबाव में कर लिया. मतलब पुलिस वाले ढूंढ रहे 10 दिन उमर खालिद. वो तो वही तो आपको बताया ना कि एक जो है इमेज क्रिएट करना है ना कि हम लोग जो है नाक से सांस नहीं लेते हैं, मतलब आंख से ले लेते हैं, हाथ से नहीं खाते हैं, प्लेट जो है सीधे आकर के मुंह में चला जाता है. मतलब एक जो एक कहते हैं ना कि एक एक स्टोरी क्रिएट करना उस तरीके से. कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया था जेएनयू में, तो आप गए थे तो जर्नलिस्ट वहां पे पहुंच गए. आज क्या एजेंडा है आपका कन्हैया कुमार जी? वो वाला क्या दोस्त जेएनयू में मैं बिहार में गया था तो उन्होंने कहा कि आप फीता काट दीजिए. बोले क्यों काट दें फीता? बोला क्रिकेट हो रहा है. बोली तू फीता लगाए क्यों? क्रिकेट खेलने के लिए फीता लगाने की क्या जरूरत है? बोला नहीं नहीं उद्घाटन हो गया. चलो आजकल हर चीज जो है आईपीएल की तर्ज पे होता है. तो मैं गया, फीता जो है काटा. उसके बाद बोला कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो हम बोले हम तो आना नहीं चाहते हैं, इन्होंने बुलाया कि फीता काट दीजिए. नहीं नहीं उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बोले फिलहाल तो यही है कि फीता काट दें, उसके बाद कुछ नाश्ता का पैकेट है तो ये दे दें तो खा के चले जाएंगे यहाँ से. क्या उद्देश्य रहेगा भाई क्रिकेट खेल रहे? क्या उद्देश्य होगा? क्या उद्देश्य होगा? पर मेरा जर्नलिज्म पे मेरा भी था. जब मैं वीडियो निकाला मैं यू नो हाउ इट हैपेंड, इन्होंने शेयर कर दिया वीडियो. तो 10 मिनट में मेरे को एक जर्नलिस्ट का फोन आ गया, ये उमर खालिद ने आपका वीडियो शेयर किया है, क्या आपके दोस्त है ये? बोला मैं कभी मिला नहीं, मतलब एज अ जो भी डिबेट पे देखा हुआ है उतना मतलब. तो उन्होंने वीडियो कैसे शेयर कर दिया? तो बोला मैंने कितनी बिल्लियों का वीडियो शेयर किया, सब मेरी दोस्त हैं क्या? ये क्या कॉन्वर्सेशन है? तो बोलती है नहीं, कहाँ तो मिले होंगे आप, ऐसा ऐसा मतलब किधर तो मिले होंगे, फ्लाइट में कहाँ किधर तो मिले होंगे. मैं बोला नहीं. तो जर्नलिस्ट क्या बोलती है पता है? क्या यार मतलब देश की गरीबी, दिस इज बिलो द पॉवर्टी लाइन, दिस जर्नलिज्म था क्या यार? कुछ बोला नहीं यार. स्टोरी नहीं है. फिर 10 मिनट बाद एक आर्टिकल, 10 कुणाल कामरा नो उमर खालिद, हु नोस, आवर गेस इज एज गुड एज योर्स. लाइक तू गेस कर रहा है भेंचो, तू जर्नलिस्ट है यार, तू गेस क्यों कर रहा है? तू काम कर. लेकिन बीजेपी के लोगों को आपका वीडियो ऑब्सीन लगा, मतलब मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब ऑब्सिनिटी की डेफिनेशन. एक हैंड जॉब का जोक था, एक हैंड जॉब पे जोक था जो पर भाई तुम तो बीजेपी जा करके क्या फील होता होगा पता नहीं पर बीजेपी के और वो जो कर्नाटक के असेंबली में बैठ करके देख रहे थे वो ऑब्सिन नहीं था, वो फंडामेंटल ड्यूटी थी. परंपरा के खिलाफ है सेक्स के बारे में बात करना, करना नहीं है बात. सेक्स छुओ ही मत टॉपिक, बढ़ते रहो जैसे बढ़ रहे हो पर सेक्स डिस्कस मत करो. सेक्स इज नॉट टू बी डिस्कस्ड, सेक्स इज सीक्रेट. सेक्स इज या सीक्रेट, इट्स जस्ट बिहाइंड क्लोज डोर्स. मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है. वो अपने आंसुओं को से डालते हैं, मोर सेक्स नहीं करते. अच्छा बोले ऐसा होता है. लेकिन आपने वो सेक्स की बात करी, वो हाँ. न्यूज़ याद है कि 300 कंडोम जेनी में पाए गए? हाँ हाँ हाँ, कितने तुम्हारे थे? नहीं हम लोग तो उसमें यही सवाल पूछ रहे थे कि मतलब ये मेथोडोलॉजी क्या है गिनने का. मतलब हर जो है उसमें गए डस्टबिन में निकाला गिना फिर रखा कि उस हॉस्टल से 150 मिले, इससे 200 मिले, ऐसे काउंट किया पूरा. पर प्रॉब्लम क्या है, लोग सेफ सेक्स कर रहे हैं, एडल्ट्स आर प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, इज दैट एन इशू? नहीं कुणाल, इफ यू थिंक योर जॉब इज मिजरेबल, थिंक अबाउट द जॉब ऑफ दिस पर्सन हु वेंट अनकाउंटेड. This, गया कौन और गिना कौन? गिना कौन? और उसमें फिर आइडेंटिफाई कैसे किया कि इसमें एबीवीपी वाले कौन से हैं? नहीं वो तो एबीवीपी वाले सेक्स नहीं करते. अच्छा नहीं नहीं, पर सेक्स के बारे में डिस्कस मत करो भाई. हाँ हम लोग भी नहीं करते हैं, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. हमको तो खाना ही दे दो पहले भाई, भोजन ही दे दो, वो बाद में देखा जाएगा. और लास्ट ये इवेंट की परमिशन ली गई थी. परमिशन वाला लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप सेडिशन बोल रहे हैं कि I have just an appeal to the audience, especially जिनके लिए आप करते हैं, ठीक है ना, कि जितना इस देश के नागरिक आप लोग हैं उतना ही मैं भी हूँ. आप अपना प्रेम बनाए रखें, हमारा प्रेम बना हुआ है, हम उसकी ब्रांडिंग करें ना करें, हम भले जो है डीपी तिरंगा नहीं लगाते हैं, लेकिन आप जितना सम्मान करते हैं तिरंगा को उसे एक इंच कम सम्मान नहीं करते, एक ऑंस कम कहते हैं ना उतना ही करते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं. समझना आज बहुत जरूरी है कि जनवाद के साथ, रीजन के साथ
और जिन लोगों को आज लॉजिक के साथ रैशनैलिटी के साथ रैशनल होना एंटी नेशनल हो गया है, और एंटी नेशनल होना मतलब नेशनलिस्ट हो गया है। अगर ये स्थिति पैदा हो गई तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करें होने आने वाली गालियों से बचने के। चलो चलो बाय बाय। चलो मस्त। ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल। जेएनयू में कवि थे गोरख पांडे, उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसको हम बहुत कोट करते रहते हैं। हाँ। कि वो डरते हैं, वो किस बात से डरते हैं? तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी वो डरते हैं। हाँ। वो डरते हैं इस बात से कि एक दिन निहत्ते और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे, और उसमें अगर मैं एक लाइन और जोड़ दूं कि उनसे डरना बंद कर देंगे और सवाल पूछना शुरू कर देंगे। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। यही देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच ने किया क्या कैमोफ्लेज फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे